नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में रामलीला मेला समिति में चल रही अनियमितताओं की शिकायत और चुनिंदा परिवारों द्वारा की गई सदस्यता को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। सनातन से हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष अतुल तिवारी का कहना है कि भगवान राम सभी के हैं। शहर में राम बारात या रामलीला के आयोजन के दौरान सभी लोग सहयोग करते हैं। रामलीला समिति किसी एक की नहीं बल्कि सभी समाजों की है, इसलिए सभी समाजों का प्रतिनिधित्व भी रामलीला मेला समिति में होना चाहिए। पूर्व में हुई नियुक्तियों की जांच की मांग भी ज्ञापन के जरिए की गई। विदिशा की रामलीला चली आ रही है, उसमें किसी एक जाति विशेष या परिवार विशेष के लोगों को सदस्य ना बनाकर बाकी सारी जो हिंदू समाज है उससे विभिन्न वर्गों के सभी लोगों को साथ लेकर सदस्य बनाया जाए। इस संबंध में आज सनातन हिंदू उत्सव समिति ने ज्ञापन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को नाम वो ज्ञापन प्रेषित किया गया। कलेक्टर महोदय को ये निवेदन भी किया गया है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो सनातन हिंदू उत्सव समिति जो है इस संबंध में चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी जिले के प्रशासन की होगी। विजय रघुवंशी विद्रोही के साथ राहुल रघुवंशी की रिपोर्ट।